तो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ टीजर्स हुंडई ने उसकी अपकमिंग ऑल न्यू जो एसयूवी है एक्सटर उसको फुल्ली रिवील कर दिया और साथ ही इसकी बुकिंग भी ओपन कर दी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हुंडई ने इसके वेरिएंट्स हो गए, ट्रिम्स हो गए या फिर इंजन डिटेल्स हो गए उसको भी रिवील कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आप इन्हीं डिटेल्स को शेयर करूँगा। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक की। तो खैर अगर चैनल पे आप कंटिन्यू आते हो तो आपको पता होगा कि जो इसका लुक है वो ऑलरेडी लीक हो चुका था एंड उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। बट वो जो भी लीक्ड इमेजेस वगैरह थी वो सब उसके कोरियन वर्जन की थी। तो यहाँ पे जो इंडियन स्पेक है वो भी एकदम सिमिलर ही है। तो अगर हम देखें जो हुंडई ने इमेजेस रिलीज करी हैं इसको ध्यान से, तो यहाँ पे सिर्फ इसके फ्रंट फेस को और बेसिकली थोड़ा सा साइड यहाँ पे हमारे को दिखता है। तो जो इसका फ्रंट है एकदम मस्कुलर रूप देता है। तो यहाँ पे इसको फ्रंट से देखने में ही एकदम प्रोमिनेंट स्टांस देखने को लगेगा आपको। साथ ही यहाँ पे स्टबी बोनेट हो गया और एकदम अपराइट फ्रंट फेस यहाँ पे हुंडई ने इसको दिया हुआ है। एंड उसके अलावा जो नीचे स्किड प्लेट दी हुई है वो इसको एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है। उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रिल यूज की गई है वो भी एकदम यूनिक है और आपने अब तक किसी भी हुंडई कार में ये ग्रिल नहीं देखी होगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर एच शेप एलईडी डीआरएल दे रखे हैं विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जिनको कि लोअर बम्पर में दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल फ्रंट का लुक है ना, देखने में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसको जैसा कि उसने वेन्यू के नीचे प्लेस किया है, बट अगर आप इसकी ओवरऑल इमेज देखो तो ये आपको कहीं भी वेन्यू से कम नहीं लगेगी। एंड वही अब अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसके साइड प्रोफाइल में इसके व्हील आर्चेस हो गए या बॉडी ग्लाइडिंग हो गई या फिर स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन और साथ ही ऊपर दिया हुआ रूफ रेल इसको एक प्रॉपर एसयूवी लुक देने में एकदम भरपूर मदद कर रहा है। एंड बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, तो अभी रियर प्रोफाइल को हुंडई ने यहाँ पे रिवील नहीं किया है, बट जो स्पाई शॉट्स थे उससे ये साफ क्लियर था कि इसके रियर को भी हुंडई ने एकदम अपराइट स्टांस दिया हुआ है, जहाँ पे आपको एकदम अपराइट टेलगेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही शार्क फिन एंटीना हो गया एंड ए स्मॉल बिल्ट इन स्पॉइलर जो कि ठीक पोजिशन है राइट अबाउट द रियर ग्लास। उसके अलावा इसके टेल लैम्प में भी आपको एच पैटर्न के एलईडी लाइटनिंग एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो रियर बम्पर है वो भी काफी टॉल एंड फ्लैट है एंड इसमें आपको डुअल टोन फिनिश प्रोमिनेंट स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल खाली अगर लुक की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होने वाला है जिसको इसका जो लुक है मतलब एक्स्ट्रा का लुक है वो पसंद ना आए। तो लुक के मामले में तो वाकई में हुंडई ने यहाँ पे बहुत शानदार काम किया है। जैसा ये कम्पीट करेगी टाटा की पंच से और सिट्रॉन की C3 से, तो अगर इन तीनों गाड़ियों को अगर आप ध्यान से देखो तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा को ही लुक में मामले में ऊपर रखना पड़ेगा। मैं कोई बायस ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, बट पर्सनली मुझे इन तीनों में इसका लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताओ इन तीनों में आपको किसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये तो बात हो गई लुक की। एम अगर बात करें बुकिंग की, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो 11,000 रुपये दे करके आप इसकी बुकिंग करा सकते हो। एंड बात करें अब अगर ट्रिम्स की, तो यहाँ पे हुंडई ने इसको टोटल 5 ट्रिम्स में लॉन्च किया है। तो जो बेस है वो है EX, उसके ऊपर S, उसके ऊपर SX, उसके ऊपर SX ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल के ऊपर जो टॉप एंड ट्रिम है वो है SX ऑप्शनल कनेक्ट। तो जैसा ये जो लास्ट ट्रिम है, ये नाम से ही पता लग रहा है कि SX ऑप्शनल कनेक्ट, तो इसमें हमारे को डेफिनेटली कनेक्टेड कार फीचर मिलने वाले हैं, तो इसी वेरियंट में मिलेंगे। नाउ अब अगर बात करें इंजन की, तो हुंडई यहाँ पे टोटल 2 इंजन ऑप्शन ऑफर कर रही है। तो जो पहला है वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करेगा 83 PSI एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क एंड ये 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड के ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गियर बॉक्स के साथ आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको हुंडई ने CNG ऑप्शन भी दिया है, जैसा कि आपको नियोस एंड ऑरा में मिलता है। तो ये फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन के साथ आएगी एंड ये हमको सेम वही 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले गियर बॉक्स के साथ ऑफर की जाएगी। उसके साथ यहाँ पे हुंडई ने इसके कलर ऑप्शंस को भी रिवील कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल 6 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं एंड 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं इसके एक्सटीरियर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को रेंजर खाकी एंड कॉस्मिक ब्लू, ये जो दो ऐसे शेड है जो पहली बार यहाँ पे किसी हुंडई कार में देखने को मिलेंगे। एंड अब अगर बात करें इसके इंटीरियर कैबिन या फिर फीचर लिस्ट की, तो खैर यहाँ पे हुंडई ने अभी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को रिवील नहीं किया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे स्पाई हुई है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे हुंडई इसके फीचर्स लिस्ट में कोई भी कमी नहीं करने वाली है। तो आप मान चलो जब इतना अच्छा एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर में कोई भी कमी नहीं होगी, चाहे वो बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ हो जाता है, क्रूज कंट्रोल हो जाता है या 6 एयरबैग्स हो जाते हैं, मतलब यू जस्ट नेम द फीचर, चाहे वायरलेस चार्जर हो गया। तो इस तरह के जितने भी फीचर्स आपको नॉर्मल हुंडई गाड़ियों में देखने को मिल रहे हैं वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। एंड नाउ द मेन चीज प्राइस, कि भैया कितना पैसा देना होगा। तो एज पर माई एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि 6 से 6.5 लाख रुपए के आसपास के प्राइस पे हुंडई इसके 20 मॉडल को लॉन्च कर सकती है।
बाकी जैसा ये कम्पीट करेगी टाटा की पंच से और सिट्रॉन की C3 से, तो खैर जो मेजर कॉम्पिटिशन इसको मिलने वाला है वो टाटा की पंच से ही मिलने वाला है। तो अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में कोई चूज करनी हो तो आप मुझे बताओ कि आप किसको चूज करोगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।